बीएड सेकेंड ईयर का आज हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोशल और सोसाइटी। वुमेन्स का क्या रोल होता है हमारे फैमिली में या फिर सोसाइटी में, समाज में। द वेराइटी ऑफ रोल द वुमेन एज्यूम इन द फैमिली आर दोज ऑफ वाइफ, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर ऑफ फैमिली इनकम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट, द मदर। जो वुमेन्स का जी रोल होता है बहुत ही ज्यादा होता है फैमिली में, कैसे ऐसा वाइफ के तौर पे होता है, लीडर के तौर पे होता है, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर किसी फैमिली में या फिर कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि वो एक मदर भी होती है। वुमेन इज द पर्सन टू हुम द टर्म्स फॉर लव, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्फर्ट। जो वुमेन एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि क्या करती है, जिसे लव की, सिंपैथी की, अंडरस्टैंडिंग की और कंफर्ट की जरूरत होती है, और वो क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं वो अपने चाइल्ड को भी देती हैं। सी इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, फेथफुलनेस, सबमिशन एंड डिवोशन टू हर हस्बैंड। जो वुमेन होती है वो इस तरीके सिंबल होती है, जो कि एक तरीके से प्योर प्योरिटी, मतलब किसी भी चीज को लेके, जैसे कि वो बिल्कुल फेथफुल होती है और किसी भी चीज के उसमें, जैसे अपने पति के प्रति या किसी चीज के प्रति वो निष्ठा भाव से रहती है, किसी उसमें किसी प्रकार का मतलब मिलावट की तरह कुछ नहीं होता। और वो क्या होता है, जैसे जो उसके फैमिली वाले, घर वाले जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो उनके साथ रहती है, सबमिशन करती है, और डिवोशन उस तरीके से वो उनमें घुल मिल के रहती है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के हिसाब से जो वुमेन होती है, वुमेन क्या होती है, अ वुमन इज अंडर सब्जेक्शन ऑफ हर हस्बैंड, हर फादर वैन आर चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जब वुमेन जब छोटी होती है, जैसे लड़की जब छोटी होती है अपने फादर के अंडर में होती है, तो जो उनके फादर होते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। वैन मैरिड, जब उसकी शादी होती है, अंडर डेट ऑफ हस्बैंड, जब उसकी शादी होती है तो जो वो अपने पति के अंडर में रहती है। आफ्टर हर हस्बैंड, अंडर हर सन, और जब उसका बेटा, जैसे या फिर बाय चांस उसका पति जो था एक्सपायर हो जाता है, तो वो क्या अपने बेटे के अंडर रहती है। देयर आर बिकॉज देयर आर नो होम इन वर्ड्स एवर हु इज फिट टू बी इंडिपेंडेंट। परंतु क्या होता है, वो हमेशा स्टार्टिंग से ही, वो जैसे जब पैदा होती है तो फादर के अंडर में होती है, शादी के बाद अपने पति या फिर ससुराल वालों के अंडर में होते, परंतु क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। उसे इस तरीके से स्त्री को माना जाता है कि वो किसी न किसी के डिपेंड के अंदर ही रहती है, वो आत्मनिर्भर नहीं रहती है। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या रोल होता है। वुमेन आर नोन टू बी द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेंथ, लव, सेक्रीफाइस एंड करेज। जो वुमेन होता है उसका क्या सिंबल होता है, उसका रोल क्या होता है, वो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्ट्रेंथ जो होते, लव होते, सेक्रीफाइस करती है। जैसे उसे कुछ चीजें पसंद है बट उसके फैमिली वालों को नहीं पसंद, तो वो उस हिसाब से उनके लिए सेक्रीफाइस करती है, इनकरेज करती है। द रोल ऑफ वुमेन इन टूडेज वर्ल्ड इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली। इसमें क्या, आज के टाइम में जो वुमेन है, वुमेन का जो रोल है वो चेंज हो गया। पहले के टाइम में क्या होता था, उनसे दहेज वगैरह लिया जाता था, घर की चार दीवारियों के अंदर रखा जाता था, बट आज के टाइम बहुत सी चीजें होती है जिसमें चेंजेस आ गए हैं। वुमेन आर नाउ वेल एजुकेटेड एंड सेल्फ डिपेंडेंट। आज के टाइम में जो वुमेन है वो क्या होता है, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, आगे पढ़ाई भी कर रही है, हायर एजुकेशन कर रही है, और वो क्या सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद पर निर्भर है। दे हैव बिकम सक्सेसफुल इन मैनी फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। आज के टाइम में जो वुमेन है वो हर एक फील्ड में बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर एंटरटेनमेंट हो। टूडेज प्रोग्रेसिंग वर्ल्ड हैज ब्रॉट अ न्यू होप एंड हैज एम्पावर्ड वुमेन पॉजिटिवली। आज के टाइम में क्या है, जो वुमेन्स होते हैं उनके अंदर एक आशा की किरण भरी हुई है ना, कि उन्हें पहले की तरह नहीं है कि चार घर की चार दीवारों में रहना होंगे, घर के काम काज में ही रहना है, बल्कि आज के टाइम में उनके अंदर भी एक पॉजिटिवनेस है, मतलब एक पॉजिटिव विचार गया है कि वो भी आगे कुछ कर सकती हैं, और उनके अंदर एक नई आशा की किरण भी भरी गई है। अर्ली वुमेन वर डिपेंडेंट ऑन फादर और हस्बैंड, बट नाउ दे हैव बिकम कैपेबल इनफ टू अर्न देयर लिविंग। पहले के टाइम में क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी वो डिपेंड होती थी अपने फादर के ऊपर या फिर हस्बैंड के ऊपर, वही उनका खर्चा चलाते थे, वही उनके लिए सब कुछ करते थे, बट आज के टाइम में जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना खर्चा और अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकती है। मदर टेरेसा, कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, पीवी सिंधु एंड मेनी मोर हैव बिकम सक्सेसफुल इन देयर फील्ड। जैसे कि मदर टेरेसा होगी या कल्पना चावला, ये सभी हो गए, ये लोग एक क्या है, सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में,
आइडल फॉर यूथ अक्रॉस द वर्ल्ड, इसी क्या है, ये सारी आइडल्स हैं जैसे कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें महिलाओं को उद्देश्य मिलता है जिससे कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके और वो भी इनकी तरह आपको सक्सेसफुल कर सके। द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी और सोशल इज रियली इम्पोर्टेंट, जो वुमेन का रोल होता है समाज में और हमारी सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दे आर वर्किंग इफिशेंटली इन ऑल दी फील्ड, और जो वुमेन्स होती है आज के टाइम में बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है हर एक फील्ड में, फ्रॉम हाउस वाइफ मैनेजर टू सीईओ, वुमेन आर डूइंग देयर जॉब्स विद परफेक्शन। इसमें कि आज के टाइम में जो वाइफ्स होती है वो भी बहुत अच्छे से कार्य कर सकती है, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट पे हो या फिर कोई सी भी जॉब हो, कोई सी भी फील्ड हो, वो अपने आप को उस तरीके से घर और ऑफिस दोनों को संभाल सकती हैं। वुमेन हैंडल द ऑफिस एंड होम टू, इसमें क्या लिखा है, वुमेन जो होती है ऑफिस और घर को एक साथ चला सकती हैं। वुमेन आर मोर सक्सेसफुली देन देयर मेल कोला, जो वुमेन्स होती है बहुत ही ज्यादा बहुत सी जगह पे ज्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू मेल। दे आर वर्किंग एट सीनियर लीडरशिप लेवल इन एन एक्सलेंट वे, किसी में क्या है, जो वुमेन्स है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे और वो भी सीनियर लीडरशिप के तरीके से अपना जॉब कर रही है और एज कम्पेयर टू मेल के कम्पेयर में बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर रही है। वुमेन आर इक्वली मोर इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी, जो वुमेन्स होती है उतनी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए जितने की मेल्स है। टूडेज वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वल वेल इन कंट्रीज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, और आज के टाइम में जो वुमेन्स है वो इक्वली इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, जितना मेल काम कर रहा है उतना ही फीमेल काम कर रही है देश को प्रगति और आगे बढ़ाने के लिए। रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी और सोशल, वुमेन्स का क्या रोल्स होता है फैमिली और सोसाइटी के अंदर। द लाइफ ऑफ अ वुमेन इज मल्टीफैक्टर, जो वुमेन होती है उनकी लाइफ होती है मल्टीफैक्टर, हर एक तरीके से होती है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। जैसे अनलाइक मैन एंड वुमेन हैव टू हैंडल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंस होते हैं बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें घर भी चला घर के लिए देखना होता है कि उनके क्या उत्तरदायित्व है, और बाकी ऑफिस वगैरह का काम जैसे मैन संभालते हैं वैसे आज के टाइम में वुमेन्स है वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो भी बहुत सारी चीजें हैंडल कर रही हैं। देयर आर वुमेन इश्यूज देयर नीड टू अटेंड टू सच एस देयर रिस्पॉन्सेज फैमिली कैरियर बिजनेस एजुकेशन हेल्थ फिटनेस एंड रेसिंग फिर वुमेन्स होती है, वुमेन्स के आगे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन्हें भी बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चों की देखभाल करनी होती है, फैमिली को चलाना होता है, अपना करियर के ऊपर ध्यान देना होता है, अपने एजुकेशन पे ध्यान देना होता है, उनका हेल्थ फिटनेस की और उनका क्या बिजनेस है उसके ऊपर सबके ऊपर वुमेन्स को भी ध्यान देना होता है। एज अ रोल ऑफ मदर, मदर का क्या रोल होता है इसमें, वुमेन्स प्राइमरी रोल इन ऑफरेंस इन एज प्रोवाइडिंग अ होम फर्स्टली फॉर हर हस्बैंड, सबसे पहले जो वुमेन होता है प्राइमरी वर्क क्या होता है, उसे अपने घर अपने पति का देखभाल करना होता है। सेकेंडली टू प्रोवाइड द सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट इन विच हर चिल्ड्रेन कैन ग्रो एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड टैलेंट, सबसे पहला कार्य जो वुमेन होता है वुमेन का होता है अपने घर और पति की देखभाल करना होता है, उनके लिए जो कर्तव्य होते हैं वो करती है। सेकेंडली जब उसका बेबी होता है तो उसे उस किस तरीके के इन्वायरमेंट में रखना जिससे कि वो सेफ और सिक्योर रह सके और अपने बच्चे की अच्छे से ग्रो और उसको डेवलप कर सके, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव कर सके और उसमें टैलेंट डाल सके। बिकॉज बींग अ मदर इज टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन ऑल द वे इवन इफ दे चूज, इसमें क्या होता है जो वुमेन होती है अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी और टैलेंटेड होगी तो वो जो उसका बच्चा होगा वो उसका जो चॉइस करेगा या फिर जो भी निर्णय लेगा वो उसमें उसको मदद भी करेगी और उसके अच्छे बुरे को भी बताएगी। अ वुमेन एज अ मदर रोल प्ले अ रिस्पॉन्सिबल रोल इन चिल्ड्रन, जो वुमेन होता है उसका एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल होता है अपने बच्चे के लिए फैमिली एट द सेम टाइम। इसमें कहते हैं जो वुमेन का रोल होता है बहुत ही ऐसा होता है कि जिसमें वो अपने चिल्ड्रन और बच्चे के लिए सेम टाइम दे सके, उसको उसके इम्पोर्टेंस में भी ध्यान दे। अपार्ट फ्रॉम इट वुमेन प्ले अ की रोल इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और सोशल, इसमें क्या होता है जो वुमेन होता है वो उसका वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल ये भी निभाते हैं कि वो समाज के डेवलपमेंट में और क्या होता है और जो सामाजिक तौर से वो उसमें भी अपने आप को ढालती है, उसको इस हिसाब से चलाती है। रोल ऑफ वुमेन एज एजुकेटर, वुमेन का क्या रोल होता है एजुकेटर में। द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी ट्रांजेक्शन, जो वुमेन का रोल होता है सोसाइटी ट्रांजेक्शन उसमें भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बेसिक एजुकेशन इज द की टू अ नेशन एबिलिटी टू डेवलप, और जो वुमेन्स होती है उनको जो बेसिक नॉलेज होती है वो भी होनी चाहिए जिससे कि अपने राष्ट्र को आगे की तरफ ले जाए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्चर के मुताबिक एजुकेशन कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनहेंस द स्टेटस ऑफ फीमेल्स, इसमें क्या होता है अगर जो वुमेन होगी उनकी
जो एजुकेशन होगी एग्रीकल्चर की तरफ से, या फिर वैसे बेसिकली जो उसकी जो नॉलेज होगी वो अच्छी होगी, तो वो उससे क्या होगा, उससे जो व्यूमेन होगी जो भी नुकसान होगा उसको पहचान पाएगी कि उसने जो एग्रीकल्चर में क्या कार्य करे, उसमें उनका क्या प्रोडक्ट हुआ है, क्या उनमें उसको लॉस हुआ, उससे वो जान सके। रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, जो पहले के टाइम में जो वुमेन्स होती थी 5 5 छह छह 10 10 बार बार बच्चे पैदा करती थी, बट आज के टाइम में क्या जो वुमेन्स इस चीज को समझ गई हैं, इस वजह से जो उनकी जो ग्रोथ रेट हो गया वो भी बहुत कम हो गया है। इनहेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड दस फाइनली रेज द स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग। इसमें क्या आज के टाइम में जो वुमेन है वो सब कुछ समझ चुकी है, और वो जो जीने का जो सही तरीका है वो भी समझ चुकी है। उस तरीके से वो अपने आप को एक स्टैंडर्ड की तरह लिविंग अपने आप को जी रही है। रोल ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, इसमें क्या नाउ डेज द फीमेल शेयर ऑफ द ग्लोबल वर्कशॉप इज 45.4%। आज के टाइम में जो वुमेन है वो कितना 45.4% अपने आप को मतलब घर और बिजनेस के दोनों काम में ढाल रही है, जिससे कि वो हम हमारे देश के लिए भी अच्छा कार्य कर रही है। वुमेन कैन ट्रांसफर अ कम्युनिटी फ्रॉम अ सेल्फ सफिशियंट सोसाइटी टू अ पार्टिसिपेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। इसी में क्या है कि जो वुमेन है अपने आप को जैसे घर का कार्य संभालते हुए भी अपने कम्युनिटी को भी साथ में रखते हुए वो सारे कार्य कर रही है, जिससे कि वो अपने देश के लिए भी आगे प्रगति का काम कर रही है। रोल ऑफ वुमेन एज ग्लोबल वर्चुअल कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क वर्ल्ड वाइड स्टैंड्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रन कैपेसिटी। इसमें क्या है जो वुमेन्स है वर्ल्ड के साथ मतलब एक एकता की तरह निष्ठा की तरह साथ दे रही है, और उसमें क्या है उसमें वो हर एक तरीके से उनका साथ निभा रही है। चिल्ड्रन की कैपेसिटी के जैसे बच्चों को किस तरीके से पहले कितने सारे पैदा करते थे, बट अब उस चीज को समझ चुकी है। हेल्थ के बारे में उसे सारी नॉलेज है, एजुकेशन हेल्थ एंड कंप्लीट वेलबींग। उसे अपने एजुकेशन के बारे में पता है कि क्या एजुकेशन के बाद उसे अपने हेल्थ के बारे में पता है, अपने बच्चे किस बच्चे के बारे में पता है, और कंप्लीट वेलबींग अपने को किस तरीके से अच्छे तरीके से रखना है उसे सब कुछ पता है। वुमेन एज अ टीचर, वुमेन क्या आज के टाइम में टीचर का रोल अच्छा प्ले कर रही है। वुमेन एज अ रोल ऑफ मदर आल्सो प्ले रोल ऑफ टीचर, जो वुमेन एक टीचर के साथ साथ मदर के साथ साथ एक टीचर का भी अच्छा रोल निभा रही है। दे वर्क हार्ड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन देमसेल्फ। इससे क्या होता है अगर टीचर जो वुमेन होगी वो एजुकेटेड होगी, वो पढ़ी लिखी होगी, तो उससे वो अपने बच्चे को भी ये अच्छे से पढ़ा सकेगी, उसे जो भी वर्क होगा उसे समझ के उसे उस तरीके से करवा सकती है। रोल इन काइंड हेल्थ, द चाइल्ड लाइफ इज मोस्टली डिपेंड ऑन द मदर स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। जो बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तो सबसे ज्यादा माँ का जो काम होता है उन बच्चों जो बच्चा पैदा होने वाला उसके ध्यान रखने के लिए कि वो खुद से को अपने आप को उस तरीके से अच्छे से रखेगी, तभी वो अपने बच्चे को जो आने वाला बेबी होगा उसे अच्छे तरीके से रख पाएगी, और जो बच्चे का जो बचपन होता है उसमें उससे अच्छे तरीके से उसके हेल्थ की ओर ध्यान दे सकेगी। द मदर रोल इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सिकनेस। जो मदर होती है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट बचा के रखती है कि उसे किस तरीके की बीमारी ना लगे। एंड वाइल द चाइल्ड इज सिक द मदर टेक्स गुड केयर ऑफ द चाइल्ड। और बाई चांस अगर उसका बच्चा बीमार हो जाते हैं तो जो मदर होती है उसके अच्छे से केयर करती है, सो डैट चाइल्ड फील्स बेटर एंड गेट बैक टू नॉर्मल हेल्थी। जिससे क्या होता है अगर बच्चे को अगर माँ अच्छे से ध्यान रखेगी तो उससे क्या होता है जो बच्चा होता है तो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा और नॉर्मल पहले की तरह उसकी हेल्थ हो जाएगी। टू प्रिपेयर अ गुड न्यूट्रिशन, द फाउंडेशन फॉर टीचिंग काइंड किड्स अबाउट गुड न्यूट्रिशन शुड बी लेड व्हेन दे आर बेबीज। वो क्या होगा जो जो वुमेन होगी उसे न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, तो उसे उस तरीके से वो जैसे उसका बेबी होगा तो उसे उससे पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना देगी, और खुद भी जब उसका बेबी होने वाला हो तो खुद ही वो न्यूट्रिशन वाला खाना खाएगी। सो मदर शुड हैव प्रिपेयर अ हेल्थी फूड फॉर देयर किड्स। जो मदर होगी वो प्रिपेयर करेगी, जब उसे नॉलेज होगी हेल्थी फूड के बारे में तो उसे उस तरीके से वो हेल्थी फूड को वो तैयारी करेगी। दैट विल हेल्प किड्स टू ग्रो फास्टर एंड स्टे हेल्थी। जिससे क्या होगा अच्छा खाना खाएगा तो बच्चा हेल्थी रहेगा, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं रहेगी, उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छे से होगी और वो आगे तक हेल्थी रहेगा। अगर वो न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, बीमार रहेगा, बार बार बीमारी लगती जाएगी, परंतु वो हेल्थी खाना खाएगा तो हमेशा वो हेल्थी रहेगा, जल्दी किसी तरीके की उसे बीमारी नहीं होगी। वुमेन एज अ रोल मॉडल, वुमेन का क्या रोल मॉडल था, वुमेन परफॉर्म द रोल ऑफ वाइफ। जो वुमेन्स होती है बहुत सारे रोल्स निभाते हैं, जैसे कि वाइफ का रोल हो गया, पार्टनर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, रिक्रिएटर हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, मदर के रोल हो गया, डिसिप्लिनरी टीचर, हेल्थ ऑफिसर, आर्टिस्ट एंड क्वीन इन द
डेवलपमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द लोकल लीडर वर्चुअल हेल्प टू इंश्योर एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी पेरेंटल एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन साइको सोशल सपोर्ट फाइंडिंग स्कॉलरशिप कंस्ट्रक्ट सोशल एंड मोर। इसमें क्या होता है जो वुमेन्स का रोल होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है वो वाइफ का भी रोल निभाती है, पार्टनर का भी रोल निभाती है, डायरेक्टर का, रिक्रिएटर का, मदर का, डिसिप्लिनरी का, टीचर का, हेल्थ ऑफिसर का, आर्टिस्ट का और क्यून का। इसमें क्या होता है जो वुमेन होती है उनके अलग अलग रोल निभाती है, जिससे कि वो अपने घर और समाज को देख सके, समझ सके। नीड वुमेन एम्पावरमेंट, जरूरत क्या होती है वुमेन को एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स डेट इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। जो वुमेन होगी, अगर वुमेन जागरूक होगी तो भी वो अपने चीजों को समझ सकेगी, उसी से वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकेगी, अपनी एबिलिटी को, जो भी उसे डिसीजन लेना होगा वो अपने निर्णय खुद से ले पाएगी। सो डेट दे कैन हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली। जिससे क्या हो वो सारे कार्य खुद से कर पाएगी, तो जिससे वो अपने जो भी सोसाइटी और फैमिली के लिए एक अच्छे से प्रोग्रेस कर सकेगी और निर्णय लेने में सक्षम रहेगी। टू प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू देम। इसमें क्या होता है वुमेन होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटी भी इक्वल देनी चाहिए, जिससे बाई डेट दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी और सोशल ग्रोथ। इससे क्या होता है अगर जैसे वुमेन को अगर इक्वल रोल और स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएगी, उसे जो भी अपॉर्चुनिटीज है जिस कार्य में वो सक्षम वो कार्य करने दिया जाएगा, उससे क्या होगा जो वुमेन होगा वो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी अपने समाज के लिए बाय ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ इन देम। इसमें क्या होता है जो वुमेन्स होते हैं उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ावा देना, जिससे कि वो सारे कार्य अच्छे से कर सके, बाय मेकिंग अ पॉजिटिव इमेज इन देम सेल्फ। और जो वुमेन्स होते हैं उनके आगे उनको एक पॉजिटिव इमेज बनानी चाहिए कि वो भी सारे कार्य कर सकते हैं, वो भी पुरुषों से कम नहीं है, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसमें पॉजिटिव इमेज बनेगी, जिससे वो खुद को अपने आप को समझ पाएंगी। दे कैन प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ सोशल इकोनॉमिक पार्ट टू। जिससे क्या होगा वो इस सब चीजों को समझ पाएगी, तो वो अपने इकोनॉमिक अपने समाज को अच्छे से बढ़ाने में प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। प्रोवाइडिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड स्किल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जिससे क्या होगा अगर हम वुमेन को नॉलेज को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो इन्फॉर्मेशन भी वो चीज़ों के बारे में ले पाएगी और अपने जो स्किल्स है उसे भी डेवलप कर सकेगी बाय इंक्रीजिंग लो नॉलेज इन देम। इसमें क्या जो वुमेन्स होती है जिनकी बहुत ही कम नॉलेज होता है उसको भी हमें इंक्रीज करने में उसे भी बढ़ाने में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग वुमेन। इसमें क्या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में वुमेन्स की जो रोल्स है, वुमेन्स की जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए क्या 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 गवर्नमेंट ने रूल्स चलाए, क्या क्या से पॉलिसीज बनाई हैं, कौन कौन से एक्ट लागू किए हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड वेरियस रेगुलेशन टू सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वुमेन्स। जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्ट्स है जो पास किए हैं, जिससे कि जो वुमेन है वो अपने आगे तक बढ़ सकें और उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो जाके। सबसे पहले एक्ट उनके लिए बनाया गया था हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में बनाया गया, फिर हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में, फिर ड्रॉ सिस्टम को भी हटाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब वो वुमेन्स किसी तरीके किसी ऑफिस में वर्क कर रही हैं तो कुछ कार्य कर रही हैं जिसमें उन्हें टर्मिनेशन कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेना, उसके लिए भी उनके लिए एक्ट बनाया गया है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब बहुत सारे जो एक्ट्स है वुमेन्स के लिए बनाए गए। इसको आप चाहो तो उसे थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। कंक्लूजन। कंक्लूजन के टू कंक्लूड वुमेन शुड बी इनकरेज टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड वर्क। इसमें क्या जो वुमेन को हमें इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि वो घर के काम करने के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें सीख सके, समझ सके और कुछ नया कर सके। दिस शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन ऑल फील्ड्स। इसमें के जो वुमेन्स होती है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को अपना अस्तित्व समझ सके और जो कार्य वो करने में सक्षम हो उसे कर सके, जो उसके अंदर अपना एक हुनर है उसे वो बाहर निकाल सके। दिस शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ चूजिंग देयर कैरियर एंड मेकिंग देयर डिसीजन इन लाइफ। जो वुमेन्स होती है उन्हें फ्रीडम भी देने चाहिए, जिससे कि वो अपने कैरियर को देख सके कि उन्हें आगे हायर एजुकेशन करके क्या बनना है, क्या करना है, इससे वो कर सके और अपने लिए खुद के जो सेल्फ डिसीजन है वो ले सके, ना कि किसी पर डिपेंड हो कि फादर या मदर करें, मतलब वो कुछ अपने लिए खुद से कर सके। सो वी कैन कंक्लूड टाइप ऑफ रोल ऑफ अ वुमेन विद द सोसाइटी। प्रोवाइडिंग कोचिंग क्लासेस
जो वुमेन्स होती है उनके लिए जैसे क्लासेस प्रोवाइड की जाए, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनके हेल्थ के बारे में जो प्रोवाइड कर सके, जैसे कि उन्हें बता सके कि उनके लिए हेल्थ केयर क्या सही है क्या नहीं सही है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस की जरूरत हो तो वो भी दी जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जो भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज करवाई जाती है वो वुमेन्स को भी करवाई जाए। मेकिंग डोनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, एलिवेशन ऑफ क्रिमिनल एंड वायलेंट एक्ट्स। इसके अलावा कुछ इश्यूज और चैलेंजेस भी हैं। पेरेंट्स विद लेस पेरेंटिंग स्किल, जो कुछ जो पेरेंट्स जो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं उन्हें इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, देनी चाहिए। तो इसमें वो थोड़ा सा जो वुमेन्स होते हैं उन्हें फ्रीडम को देने में उन्हें थोड़ा सा डरते भी हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिन्हें की पैसों की दिक्कत होती है। गुड न्यूट्रिशन, कुछ जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी वो उन्हें अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिशन वाला फूड है वो भी नहीं दे पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हेल्थ के बारे में कुछ पता नॉलेज ही नहीं होती है, तो उससे क्या जो वुमेन्स को जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है कुछ होती है वो उससे सॉल्व नहीं कर पाते और उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन फैमिलीज, और कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो फैमिलीज ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करते, जैसे घर में जैसे बेटी हो कुछ हो तो बस आए, बस खाना वाना खाया सोने चले गए, कुछ भी नहीं पूछते कि हाँ भाई बच्चे तुम्हें क्या तकलीफ है या क्या कुछ है, तो उससे मतलब फैमिली उससे कुछ बात ही नहीं करती। तो उससे क्या होता है जो उसमें कम्युनिकेशन की कमी होती है, जैसे कि उसके बारे में पहचान ही नहीं पाते कि क्या लड़की का लक्ष्य है, क्या वो करना चाहती है, तो उसे कुछ उस बारे में वो सोचते ही नहीं है। तो इनमें जो कम्युनिकेशन होती है उसकी कमी होती है। और आप इसे थोड़ा और लेंथी करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो इसमें, करंट सिनेरियो ऑफ वुमेन, इसमें सन का क्या प्रेफरेंस होता है, एजुकेशन एज एट मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, फीमेल हाउस होल्ड हेडशिप, एक्सेस टू रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग। आप ये भी लिखना चाहो तो ये भी इसमें लिख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।